चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जबलपुर की बात करेंगे जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को फिर घेरा। उन्होंने कहा कि वो जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करें तो पिछले चुनाव में किए वादों को जरूर याद करें। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। अभी भी जिसे अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हो रहा है वो बनने के लिए तैयार नहीं है, जो तैयार हो रहे हैं उसे बनाना नहीं है। क्या कुछ और कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। ATS और NIA के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह PFI की गतिविधियों पर NIA के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल है। 4 लोगों को कल ATS ने गिरफ्तार किया है, एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर UAPA के तहत कार्रवाई हुई है, इसकी UAPA की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीजें आई। बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है, और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं, हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रस खान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि धूर लेत सर पे धरे कहो रहीम के ही काज, जही रज मन पुतनी तजीते ही ढूंढे गजराज। हम रस खान के उपासक रहे हैं जिसने कहा था कि मानुष हो तो वही रस खान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, और इसलिए श्रद्धेय का माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है, और नीचे तक बहुत अच्छा विषय गया। नहीं, पूरी सुरक्षा रहेगी उनकी, जो उनको, वो तो वैसे भी सुरक्षा के अधिकारी हैं केंद्र की गाइडलाइन के तहत, लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूँगा कि जब वो मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो बताएं कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में उन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ किया था। किसी एक किसान को जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ हुआ वो अपने साथ लेके चले। उन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीने देने का कहा था। 15 महीने सरकार रही तो 15 चौक 60,000 रुपये वाला कोई एक नौजवान जिसको 60,000 मिले हों या 4,000 भी मिले हों तो वो 4,000 वाले को भी लेकर अपने साथ चले। और ज़रूरी नहीं हमारे सवाल का जवाब दें, हम चाहते हैं कि वो मीडिया को दिखाएं, मीडिया के माध्यम से हम तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झूठ बोलने का लिखित में जो पाप कांग्रेस ने किया है उसके लिए क्षमा मांग। आप ही कह रहे हो कांग्रेस बिखर रही है, तो मैं क्या कहूँ, उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान प्रारंभ करना चाहिए तो शायद ठीक रहेगा। वैसे राहुल गांधी जी अभी मध्य प्रदेश में जब आएँ तो उनको कहाँ भारत टूटा हुआ दिखा ये जरूर बताएं। इतनी लंबी यात्रा करने जो भारत जोड़ने निकले हैं तो टूटा हुआ कहाँ दिखा था जिसको वो अभी तक जोड़ आए, या यात्रा जब समाप्त हो तब बताएं कि फलानी जगह टूटा दिखा था मुझे। नामांकन फार्म लेने जाएंगे बाद में सब मान जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया है, पर आप ये भी तो सोचो कि एक राष्ट्रीय पार्टी 4 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाए, उस पार्टी की क्या स्थिति रही होगी। आज भी अधिकांश जगह से प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसके नाम का प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हो रहा है वो तैयार नहीं है, जो तैयार है उसको बनाना नहीं है। बड़ी विचित्र दुविधाओं में कांग्रेस फंसी है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये इस दुविधाओं से उभरेगी। ये डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है, ये बिखरती चली जा रही है। जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है, नबी साहब ने गुलामी से आज़ादी ले ली है, 8 विधायक कांग्रेस के गोवा में कांग्रेस छोड़कर चले गए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस छोड़े, अभी पूर्व विधायक जो सागर के थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए, आनंद शर्मा अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं,
गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये लगातार भगदड़ का आलम है। आते यात्रा समाप्त होते होते तक वो स्थिति होगी कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एटीएम